आइए दोस्तों देखते हैं, कक्षा 12 की पुस्तक है पीयूष परवा। और देखिए, अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा तो देखिए मोबाइल के ऊपर कोने पे क्लिक कीजिए, उसमें आपको तीन डॉट डॉट के निशान दिखाई देंगे, तो उसमें आप वीडियो क्वालिटी 340 या 480 कर लीजिए तो वीडियो एकदम साफ दिखाई देगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए वीडियो के नीचे RSR हिंदी चैनल नाम लिखा है, उसके सामने लाल अक्षरों में सब्सक्राइब है, उसको दबा दें। और उसके दबाने के बाद बेल आइकन आएगा, वो दबा दें तो आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से संबंधित मेरे सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो देखिए RSR हिंदी चैनल पर क्लिक करें, तो उसमें प्लेलिस्ट दिखाई देगी, तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो दिखाई देंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, पाठ है कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण सेठ गोविंदास का। तो देखिए इनके बनाए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स, तो देखिए इस पाठ के प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। लेखक चित्तौड़गढ़ के लिए कितने बजे निकले? लेखक चित्तौड़गढ़ के लिए कितने बजे निकले? तो देखिए ये निकले 1 बजे से। फिर देखिए राजपूत जीवन संध्या वीर जयमल उपन्यास किसके हैं? राजपूत जीवन संध्या और वीर जयमल उपन्यास किसके हैं जिसमें हल्दी घाटी का वर्णन है? तो ये हैं कर्नल टोड के। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभों में नया व सात खंडों वाला है। तो कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ में नया और सात खंडों वाला है। तो देखिए इसमें विजय स्तंभ नया है। लेखक ने आते वक्त दंडवत प्रणाम किसको किया? लेखक ने आते वक्त दंडवत प्रणाम किसको किया? तो विजय स्तंभ को। लेखक को अनेक जोखिम अवसरों पर नवसाहस स्फूर्ति किसने दी? लेखक को अनेक जोखिम अवसरों पर नवसाहस स्फूर्ति किसने दी? तो विजय स्तंभ ने। देखिए अगला प्रश्न, यात्रा में लेखक का प्रिय भोजन क्या था? यात्रा में लेखक का प्रिय भोजन क्या था? तो दाल बाटी चूरमा। प्रश्न नंबर 7, चित्तौड़ में किसको गोली लगी थी जो वीरगति को प्राप्त हुए थे? चित्तौड़गढ़ में किसको गोली लगी थी जो वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो देखिए जयमल को गोली लगी थी। प्रश्न नंबर 8, उज्जैन में किस नदी का पानी पिया? उज्जैन में किस नदी का पानी पिया था? शिप्रा नदी का। किस नदी का? शिप्रा नदी का। तो इसको अगर आप याद रखते हैं तो ऐसी ट्रिक भी बना सकते हैं। देखिए उज्जैन, तो उज्जैन से ऊ उठाई आगे से, और शिप्रा से छः या छः बना लीजिए, तो उगना और छिपना। तो उज्जैन में शिप्रा, तो उगना और छिपना ऐसे याद रख सकते हैं, तो उज्जैन में शिप्रा। प्रश्न नंबर 9, जलगांव क्या देखने गए वहाँ ठहरने की व्यवस्था किसने की? जलगांव क्या देखने गए और वहाँ ठहरने की व्यवस्था किसने की थी? तो महेश्वरी समाज के कार्यकर्ताओं ने, और वहाँ अजंता एलोरा और रूपचंद की लाठी देखने गए। अजंता एलोरा और रूपचंद की लाठी देखने गई जलगांव। प्रश्न नंबर 10, यहाँ कुल कितनी गुफाएं हैं? यहाँ कुल कितनी गुफाएं हैं? कितनी चैतन्य ढंग की और बाकी व्यवहार ढंग की? तो देखिए अजंता की बात हो रही है, कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं और कितनी चैतन्य ढंग की और कितनी विहार ढंग की है? तो देखिए इनमें 29 हैं जो चैतन्य ढंग की है, 29 है जो कुल गुफाएं 29 हैं। यहाँ कुल कितनी गुफा? तो 29, और चैतन्य ढंग की 4 चैत्य ढंग की, और फिर देखिए बाकी विहार ढंग की। तो बौद्ध धर्म और बुद्ध की मूर्ति भी है वहाँ। प्रश्न नंबर 11, यह चित्र संभव भगवान बुद्ध का है ऐसी कल्पना पुनः असंभव है किसने कहा? यह चित्र संभव भगवान बुद्ध का है ऐसी कल्पना पुनः असंभव है यह किसने कहा है? तो यह देवी निवे दिता ने, देवी निवेदिता ने।
देखिए प्रश्न नंबर 12, इन गुफाओं का निर्माण कब से कब तक हुआ होगा? इन गुफाओं का निर्माण कब से कब तक हुआ होगा? तो ये थी गुप्त काल से चालुक्य वंश तक, गुप्त काल से चालुक्य वंश तक। और इनको याद करने की ट्रिक है, गुप्त रूप से चली, मतलब ये गुफाएं गुप्त रूप से चली, तो गुप्त काल से चालुक्य, तो गुप्त से उठा लिया गुप्त और चालुक्य से चली, तो गुप्त रूप से चली, ऐसी ट्रिक बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, एलोरा गुफाएं कितनी लंबी है? एलोरा गुफाएं कितनी लंबी है? तो 1.25 मील। प्रश्न नंबर 14, एलोरा गुफा 3 भागों में है, इनकी संख्या बौद्ध गुफाओं की संख्या बतानी है। तो ये 3 भागों में है, तो बौद्ध गुफाओं की संख्या कितनी है? तो ये 12 बौद्ध गुफाएं हैं, और 3 भागों में बौद्ध, हिंदू और जैन भागों में अलग अलग हैं, तो बौद्ध गुफाएं 12 भागों। प्रश्न नंबर 15, एलोरा की खुदाई कब हुई? एलोरा की गुफा की खुदाई कब हुई और हिंदू गुफा की संख्या बतानी है। तो देखिए एलोरा की गुफा चौथी से 8वीं शताब्दी में बनी थी, चौथी से 8वीं शताब्दी में बनी, और हिंदू गुफा की संख्या 17 है, और ये 7वीं से 8वीं शताब्दी में बनी थी। फिर देखिए प्रश्न नंबर 16, जैन गुफाएं संख्या कितनी है? जैन गुफा संख्या कितनी है? तो देखिए जैन गुफा की संख्या 4 है। और फिर देखिए 10वीं गुफा का नाम, तो 10वीं गुफा का नाम है विश्वकर्मा गुफा, 10वीं गुफा विश्वकर्मा गुफा। और 12वीं गुफा जो 3 मंजिली है, तो उसको क्या कहते हैं? 3 तल गुफा। 12वीं गुफा है वो 3 मंजिली है, उसको 3 तल गुफा कहते हैं। विश्वकर्मा गुफा का साइज, तो देखिए विश्वकर्मा गुफा का साइज तो 27x15 से ही 1/2, 27x15 से ही 1/2 विश्वकर्मा गुफा की साइज है। इसमें बुद्ध की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इसमें बुद्ध की मूर्ति लगी है, उसकी ऊंचाई 11 फिट है। 3 तले या 3 तल की मूर्ति बुद्ध की है, जिसे स्थानीय निवासी किस रूप में मानते हैं? 3 तल की मूर्ति बुद्ध की है, जिसमें स्थानीय निवासी किस रूप में मानते हैं? तो राम के रूप में मानते हैं। प्रश्न नंबर 19, हिंदू गुफा संख्या 16 को किस नाम से जानते हैं? हिंदू गुफा 16 को किस नाम से जानते हैं? तो उनको कैलाश अथवा रंग महल के नाम से जानते हैं, कैलाश अथवा रंग महल के नाम से जानते हैं। और उसका साइज क्या है? जो शिव गुफा है, शिव गुफा का साइज क्या है? तो शिव गुफा का साइज है 276 फुट लंबी, 154 फुट चौड़ाई और 107 फुट ऊंची। लेखक मुंबई किस लिए गए? लेखक मुंबई किस लिए गए थे? तो एलिफेंटा गुफा देखने, एलिफेंटा गुफा देखने। प्रश्न नंबर 21, एलिफेंटा गुफा अयालों बंदरों से कितनी दूरी पर है? एलिफेंटा गुफा अयालों बंदर से कितनी दूरी पर है और स्थानीय लोग से क्या कहते हैं? तो यह 7 मील दूर है, और स्थानीय निवासी से मल्ला घरपुरी कहते हैं, मल्ला घरपुरी कहते हैं। एलिफेंटा गुफा किस देवता से संबंधित है? एलिफेंटा गुफा किस देवता से संबंधित है? तो शैव से संबंधित है, शैव से संबंधित है। लेखक को अभी तक किसके देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ? लेखक को अभी तक किसके देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ? जो एक कहावत है, अन्नी चुके बिसासों, अन्नी चुके बिसासों। तो लेखक चुके बीजापुर का गोल गुंबज देखने से, बीजापुर का गोल गुंबज देखने से। लेखक ने टोड की हाल ही में पुस्तक पढ़ी, कौन सी पुस्तक पढ़ी? लेखक ने टोड की हाल ही में पुस्तक पढ़ी थी, कौन सी? तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास। लेखक चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर कहाँ ठहरे? लेखक है चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर कहाँ ठहरे थे? तो धर्मशाला में। और दोस्तों आपके लिए अगला पाठ होगा ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती का। तो अगर आप किसी अन्य टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, उसी के आधार पर वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।